मुझे तो ये शादी करनी भी नहीं थी, किस हेल में फंसा दिया मुझे। शादी करते ही मैंने यह शहर छोड़ दिया था। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। इस नाजायज औलाद को पेट में लेके मेरे साथ शादी के साथ फेरे लिए और अब मेरे सामने ऐसे खड़ी जैसे कुछ किया ही ना हो। क्या समझती हो, क्या लगा इसे कुणाल डोगरा का नाम मिल जाएगा? मैं शादी को वैलिड नहीं मानती। कुणाल वो क्या है, अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, यू नो, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही है। और रही बात बच्चे की, तो उसके पैदा होते ही हम उसे अनिका से अलग कर देंगे। I promise. आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ 6 साल बाद बेंगलुरु से मनाली लौट रही थी और यहाँ आते हुए अनिका को फिर से वो भयानक रात याद आ गई। आज मैं उस मोटी से किसी भी हालत पे डिवोर्स के पेपर साइन करवा कर लूंगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, आज सुबह जब निकले तो सबसे पहले जाते ही ये माता का दर्शन कर लिए और बस एक ही प्रार्थना की है, यही मांगे हैं, जो ये आपका 6 साल का मनोकामना है ना, ये पूरा हो जाए। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधी घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर है और एक आप बताइए ना आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं जिसको लेने आया था वो तो आई नहीं अभी तक। आपने देखा ना किसी को फ्लाइट में, मोटी सी लड़की होगी, 6 साल पहले ना वो 120 किलो की थी, अभी तक तो उसने डबल सेंचुरी पार कर दी होगी। आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सिर्फ एक नाम याद रखना, कुणाल डोगरा। और आप? अनिका गुलेरिया। तुम अनिका गुलेरिया को लेने आए हो ना? ओह, मैं सिर्फ डिवोर्स का पेपर साइन करने आई थी। ये क्या है? देखो अनिका, तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं और तुम्हारी नई मां मनीषा चाहते हैं कि कुणाल कामिनी से शादी कर ले। तुम्हारी मां ने मरने से पहले तुम्हारे नाम जो फार्मा कंपनी की थी, तुम उसे कामिनी को अपनी छोटी बहन समझकर उसके शादी के तोहफे में दे दो।